आज कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये मांग थी पूरे युवा पीढ़ी की सालों से, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन इस एक निर्णय से, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक परीक्षा, उससे उनकी तकलीफ भी दूर होगी, उनका पैसा भी बचेगा और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बहुत दौड़ धूप नहीं होगी और एक ही परीक्षा से उनको आगे जाने का मौका मिलेगा। दिस इज़ अ रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क रिफॉर्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल विद द डायरेक्ट एंड द पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। आपने विस्तार में ये प्रेजेंटेशन देखी, तो संक्षेप में यदि आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज रिफॉर्म विच विल ब्रिंग इन ईज ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज ऑफ सिलेक्शन, ईज ऑफ जॉब प्लेसमेंट एंड देयर बाई ईज ऑफ लिविंग, पर्टिकुलरली फॉर सर्टन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विच आर एट अ डिसएडवांटेज ऑन वन अकाउंट और दी अदर। उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिकली नॉट सो प्रिविलेज्ड स्ट्रेटा और लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, जैसा कि बताया गया कि सारा साल जब सिलेक्शन के इम्तहान होते रहें और सेंटर अलग अलग रहें तो इस इंट्रोजिनस देश में ये संभव नहीं रहता कि हर उम्मीदवार हर जगह अपने आप को उपस्थित कर पाए। एक इम्तहान नागपुर में, एक जबलपुर में, कलकत्ता में, तो वो बेचारा फिर चॉइस बनाता है कि वहाँ जाएँ वहाँ नहीं जाएँ, और उसके माता पिता भी उसी तरह से दे हैव टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। दूसरा वर्ग होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, पूर्वोत्तर में, जो पहाड़ी राज्यों में, फॉर द रीजन्स ऑफ ट्रैवल, फॉर रीजन्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड समटाइम्स ऑल्सो द रीजन्स ऑफ क्लैश ऑफ डेट्स, वो भी अपने आप को वंचित कर देता है, विच इज़ इनफैक्ट ऑल्सो इन अ वे डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज राइट टू ट्राई हिज लक। और तीसरा वर्ग जो हमारी महिला कैंडिडेट्स हैं, दिस इज बीन आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट मैनी ऑफ द गर्ल कैंडिडेट्स दे फोरसेक अ सिलेक्शन टेस्ट और अ सिलेक्शन प्रोसेस सिंपली बिकॉज दे हैव टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट सिटी वेयर दे इज माइट बी हैविंग सम कंस्ट्रेंट्स ऑफ अरेंजमेंट टू स्टे और दे मे नॉट हैव अ फैमिली मेम्बर हु कैन रिलायबली एस्कॉर्ट देम, तो पेरेंट्स ही कहते हैं कि बेटे रहने दो। तो उस सारी बातों को मद्देनजर रख के, क्योंकि आपने इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू देखे, मैं इसके थोड़े से सामाजिक पहलू की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, ये इट विल बी ए सेविंग ऑन द स्टेट एक्सचेकर, इट विल बी सेविंग ऑन द पर्सनल कॉस्ट एंड इट विल बी ए ह्यूज कन्वीनियंस। सो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वीनियंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस।